बहुत स्वागत है जी सारयां दा। मैं हाँ सुरिंदर ढल्ला। कनेडा नूं लैके जसमीत भाटिया जी हमेशा इस तरीके दे एनालिसिस करदे ने, इस तरीके दे सानूं जिहड़े सानूं डेटाज ने उह साडे नाल शेयर करदे ने, जिस तों बाद कनेडियन एजुकेशन नूं समझना बहुत आसान हो जांदा है साडे अजकल दे स्टूडेंट्स दे लई। और जसमीत जी ने पहलां कहा सी कि पी टी ई ते वी वीज़ाज आउणगे, ए आई पीज़ आउणगे और पी पी आर आउणगे और स्टैंप होणगे पासपोर्ट। और पी टी ई ते काफ़ी वड्डी गिणती दे विच इंडिया दे विच स्टूडेंट्स दे वीज़ाज आए ने। सो जसमीत जी की रिकमेंडेशन नूं, जसमीत जी की सुजैशनस नूं सारे स्टूडेंट बहुत ध्यान नाल सुनन, क्योंकि जसमीत जी लगातार खुद पढ़ाई करते रहते हैं। जिवें मैं अगे भी कई बार कहना, जसमीत जी खुद पहलां टीचर रह चुके ने और हुण भी जसमीत जी उस तरह टीचर बन के ही एजुकेशनल कंसल्टेंट के तौर पर स्टूडेंट्स नूं गाइड करते हैं। सो जसमीत होरां दे 12-13 साल के 14 साल के तजर्बे तो स्टूडेंट्स नूं मेरी कोशिश होंदी है कि कोई ना कोई फायदा जरूर मिले। हुण अज गल करांगे उन्हां स्टूडेंट्स लई, भावें रिफ्यूज़ ने, भावें उन्होंने वह रीसेंट पास आउट ने, भावें उन्हां दा 3-4 साल का गैप है, भावें उन्होंने 5.5 बैंड ने एक मड्यूल के। सो जिन्हां दे 2 चो 5.5 ने वो तो मई और सितंबर इनटेक अप्लाई ही ना करन मेरी नज़र। बाकी जसमीत जी का ओपिनियन इतने मैं थोड़ा जहा क्रॉस क्वेश्चन करना चाहवागा। कई बार स्टूडेंट के 2 चो 5.5 बैंड होंगे, 4 बार पेपर दे चुका होंगे पर कैनेडा लिए ट्राई करना चाहता है। बट उन्होंने सारे स्टूडेंट्स को मेरी एडवाइस है कि तुम कैनेडा लिए अपनी फाइल ला सकते हो, बट एक सरकारी कॉलेज। सो अगर 2 चो 5.5 हूँ तुम इतने मेरे तो पुछोगे कि सरकारी कॉलेज 2 चो 5.5 बैंड एक्सैप्ट कर रहे हैं। हाँ, ये सवाल देखो अपने आप वड्डा जी। सो 2 चो 5.5 बैंड बहुत सारे सरकारी कॉलेज एक्सैप्ट कर रहे हैं। कुछ का ना लवाना सेंट क्लेयर कॉलेज 2 चो 5.5 बैंड एक्सैप्ट कर रहा है, कॉनस्टुगा कॉलेज 2 चो 5.5 बैंड एक्सैप्ट कर रहा है, सू कॉलेज 2 चो 5.5 बैंड एक्सैप्ट कर रहा है। सक्सैस रेट आते जी? देखो 4 बारी स्टूडेंट अपनी फाइल ला चुके, 4 बारी आईलेट्स दे चुके हैं, बट भी आईलेट्स इंप्रूव नहीं हो रहा। कैनेडा जाने का चाहवान है और कोशिश करना चाहता है कि कैनेडा लिए अपनी फाइल लावा। सो जे कोशिश करना चाहते हो एंड मैं सक्सैस रेट 50-50 कहूँगा, मैं ये भी क्लीयर करता। पर जसमीत जी स्टूडेंट अगर 4th-5th बारी भी फाइल लाऊगा फिर प्रोसैसिंग फीस दूगा, फिर बच्चे ते बर्डन। आईलेट्स 4 बारी कर चुके, क्योंकि कल भी मेरे को एक कल वीजा आया, 4 बारी स्टूडेंट ने आईलेट की, 2 चो 5.5 बैंड नहीं इंप्रूव हुए और वीज़ा लग के आ चुके। अच्छा, वीज़ा लग गया। सो वो पासपोर्ट असं तो हैंड ओवर करावे जो तुम साढ़े अगले बारी ऑफिस आओगे। सो पासपोर्ट दला जी हैंड ओवर करेंगे। साढ़े को 9-10 वीज़ा आए हैं रीसेंटली जो 2 चो 5.5 बैंड। अच्छा, 9-10 वीज़ा आए हैं 2 चो 5.5 दिन। सो यह मतलब है जसमीत जी तुम चाहते हो कि अगर 2 चो स्टूडेंट के 5.5 ने वो ट्राई करे पर सिर्फ सरकारी कॉलेज। बट फिर भी मैं वीज़ा सक्सैस रेट दोबारा ऐड कराँगा 50-50 है। 50-50 चांस नहीं, 50-50 चांस। तो ये जरूर, क्योंकि कई बार स्टूडेंट इस चीज़ को गलत ले लेंगे। बट मेरी एडवाइस उस स्टूडेंट को है जिहड़े जिन्हां कोल कोई रस्ता नहीं है बट वो कैनेडा जाने चाहवान है, और जे तुसीं कैनेडा जाने चाहवान नहीं हो और 2 चो 5.5 बैंड तो बहुत होर आस्ट्रेलिया तुसीं जा सकते हो, यूके तुसीं जा सकते हो, न्यूजीलैंड तुसीं जा सकते हो, जर्मनी तुसीं जा सकते हो। सो जे तुसीं कैनेडा जाने इन्ने चाहवान नहीं और 2 चो 5.5 बैंड नहीं इनक्रीज़ हो रहे हैं तो पिछले 5 कंट्रीज़ की ऑप्शन बैठी है। बिल्कुल ठीक है। सो आ भी सकता वीज़ा 2 चो 5.5 नाल, नहीं भी आते भी ने कुछ, जिम्मे जसमीत जी ने दसिया कि 8-9 वीज़ाज रीसेंटली इन्होंने देखे है जिहे जिहड़े 2 चो 5.5 दे नाल सी और एक तां रीसेंटली आया, जिहड़े बाकी 8-9 आए ने रीसेंटली आए हैं, सारे रीसेंटली आए, सारे वीज़ाज रीसेंटली आए ने 2 चो 5.5 नाल। सो ये अपने आप दे विच इक वड्डी गल है। पर जसमीत जी मैं ये जानना चाहूँगा कि मई और सितंबर इनटेक लई हुण जिहड़े स्टूडेंट्स दे 1 चो 5.5 ने, बिल्कुल उन्हें की पॉसिबिलिटीज ने, की उन्हें बहुत संभावना पॉसिबिलिटी। बिल्कुल 1 चो 5.5 बैंड जो स्टूडेंट मेरे डिस्कस करता है कि मेरे 1 चो 5.5 बैंड है तो मेरा वीज़ा सक्सैस रेट कि रहेगा, तो मैं उन्होंने सारे स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहवागा इक्वल टू SDS, इक्वल टू SDS है 1 चो 5.5 बैंड वाला का वीज़ा। मेरे को अज की डेट 500 वीज़ा आया रीसेंटली तो उस 250 1 चो 5.5 बैंड है और 250 6 ईच वाले का होएगा। सो इक्वल सक्सैस रेट चल रहा है, डिपेंड करता तुम फाइल कि पुट करते हो, चाहे 7 बैंड वाला वीज़ा भी होंगे उन्होंने रिफ्यूजल का सामना करना पै जाता। अज 7.5 बैंड 80% वाले बच्चे मैं मिलया और वीज़ा रिफ्यूज़ होया 3 वारी रिफ्यूज हो और 4th वारी साड़ी एडवाइस लैन आया। असं उन्होंने स्टूडेंट को कहा कि तुम पहल क्यों नहीं साढ़े ना एडवाइस ली और 3 वारी रिफ्यूजल क्यों ली, 7.5 बैंड से भी रिफ्यूजल आ सकती है, 8 बैंड से भी रिफ्यूजल आ सकती है जे तुहाडी फाइल चंगी तरह प्रेजेंट नहीं होएगी। और एक मोड्यूल तो 5.5 बैंड से भी बहुत ज़्यादा वीज़ा लग के आए हैं, सिर्फ फर्क इन्ना ही है। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने पूछते सर फर्क की है, किदां तुहाडी फाइल प्रेजेंट होंदी है, इहते फर्क है, किहड़े कॉलेज च तुसीं लाया उत्ते फर्क है, किहड़े शहर च तुसीं अपना वीज़ा अपलाई करते हो उस च फर्क है, किहड़े कोर्स च तुसीं अपना वीज़ा अपलाई करते हो उस चीज़ ते फर्क पै जांदा जदों तुसीं वीज़ा लेना चाहते हो।
बिल्कुल। सो कुछ बेसिक गल्लां ने जिन्हां दे उत्ते इस वक्त ख्याल रखने की जरूरत है, बहुत ख्याल रखने की जरूरत है, पर एक चो अगर 5.5 ने तो बहुत पॉसिबिलिटीज ने। मैं थोड़ा जहा होर एक्सप्लेनेशन चाहूँगा, अगर दो चो 5.5 ने, तुसी सरकारी कॉलेजेस का नाम लै रहे हो, किन्ने सरकारी कॉलेजेस? मेरे हिसाब से 7-8 सरकारी कॉलेज है, जिहड़े पूरे सरकारी कॉलेज हैं, 60 साल पुराने कॉलेज हैं, और वो की कहिंदे हैं स्टूडेंट्स नूं एक्सेप्ट कर रहे हैं विद 2.2 मॉड्यूल्स 5.5 बैंड। पर वो क्यों कर रहे हैं जी एक्सेप्ट? क्योंकि वीज़ा लग के आ रहे हैं, क्योंकि वीज़ा लग के आ रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट दे वीज़ा लग के आ रहे हैं, एंड दे आर एलिजिबल टू स्टडी, सो दैट इज़ वाई दे आर एक्सेप्टिंग 2 मॉड्यूल्स 5.5। पर आम तौर पर जो आप, मेरा थोड़ा जहा डिफरेंस ऑफ ओपीनियन है, मैं कितने भी आम तौर पर गल करते हैं तो सारे लोग कहते हैं अगर 2 चो 5.5 है तो कनेडा ना अपलाई करो। सी देखो, मैं भी नहीं कह रहा कि जो 2 चो 5.5 बैंड है तुम कैनेडा अप्लाई करो, मैं सारे स्टूडेंट्स को एडवाइस कराँगा 2 चो 5.5 बैंड है अंटिल अनलेस तुम 4 बारी आइलेट्स का एग्जाम दे चुके हो और तुम कैनेडा जाते बहुत ज़्यादा चाहवान हो, फिर तुम अप्लाई कर सकते हो। बट नॉर्मली की होंगे कि जो 2 चो 5.5 बैंड होंगे नॉर्मली स्टूडेंट एक प्राइवेट कॉलेज अपलाई कर बैठता और उन्होंने फिर रिफ्यूजल मिलती है, और इस करके कैनेडा नॉर्मली धारणा बन जाती मार्केट से कि 2 चो 5.5 बैंड वाले वीज़ा नहीं मिले। बट जो अं एक सरकारी कॉलेज वीज़ा अपलाई करते हैं और चंकी तरह फाइनैशियल डॉकूमेंट्स चंगी तरह फाइल प्रिपेयर करके अप्लाई करते हैं तो वीज़ा चांसिस हैं। बट जे तुम 4 बारी अटैम्प्ट कर चुके हो आइलेट्स, जे तुम कहते हो कि मैं अटैम्प्ट करना नहीं और मैं इंप्रूव नहीं करना चाहता, फिर तुम एक मन बना लिया कि 50-50% चांस है और तुम एक चांस लेना चाहते हो, और ही होना चाहिए। बिल्कुल, मतलब अगर तुम्हें लगता है कि तुम तमाम एफर्ट्स कर ले तो 5.5 तो इंप्रूव नहीं हो रहे, फिर तुम ट्राई कर सकते हो सकता है किस्मत है जी वो चाबी खुल जाए। जसवीर जी, पिछले समय के भी आते 2 चो 5.5 होंगे? बिल्कुल बिल्कुल वीज़ा आते सी, बिल्कुल वीज़ा आते सी, बट लास्ट ईयर देखने को मिले कोविड के दौरान इन्ने ज़्यादा वीज़ा नहीं आए। बट जिमें हुण हिस्टोरिकल चेंज आता जा रहा कैनेडा की अप्रोच नू लैके, कैनेडा देख रहे हैं कि वीज़ा बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी ना दे रहा और कैनेडा नू बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की लोड़ है, तो मैंने लगता है कि जिहड़ियां वीक प्रोफाइल हैं गुड प्रोफाइल्स हैं सारियां इक्को जिहियां प्रोफाइल हैं और सारियां दा वीज़ा सक्सैस रेट बहुत हाई रहने वाला है। सो इदां ही पीटी वाले स्टूडेंट नू भी मना कर दिता जाता, सो बहुत सारे इदां दे भी स्टूडेंट्स होंदे, तुसीं पीटी वाले स्टूडेंट साडे देखे होणे कि वीज़ा लग के आए हैं। सो पीटी वाले स्टूडेंट जो जाते हैं किसी को उन्होंने मना कर दिया जाता क्योंकि काफ़ी कॉलेजेस नहीं एक्सैप्ट करते। बट साडे कोल इदां दे कॉलेजेस हैगे आ, सरकारी कॉलेज प्राइवेट की नहीं मैं गल कर रहा, सरकारी कॉलेज हैगे जिहड़े पीटी ते एक्सैप्ट कर रहे हैं और पीटी ते वीज़ाज भी स्टूडेंट दे लग के आ रहे हैं। सो इस चीज़ बहुत वड्डी गल मैटर करते कि जो तुहाडे डायरैक्ट आए आप होण कॉलेजेस दे नाल तां इनफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा साडे कोल आउंदी रहिंदी है, तां असीं स्टूडेंट नूं गाइड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई विल एडवाइज यू कि 1 मॉड्यूल 5.5 एंड SDS केस इज वेरी गुड वीज़ा सक्सैस रेट, PTE अबव 55-56 वीज़ा सक्सैस रेट इज़ गुड, अगर इस तो थले रहा कई बार 52 भी कॉलेजेस एक्सैप्ट करते हैं, बट अबव 55 and 56 वीज़ा सक्सैस रेट इज़ गुड। हुणे साडे कोल रीसेंटली रमन कुमार का वीज़ा लग के आया जिन्हों का पहला AIP आया से, फिर उन्होंने ऑनलाइन क्लासा लाइया, हूँ उन्होंने वीज़ा लग के आया। उन्होंने कहना यह कि मैं सारे कितों पुछ चुका से किसी ने मैं राह नहीं पाया, पर जो लैंडमार्क ने उन्होंने सरकारी कॉलेज एडमिशन दी तो उन्होंने वीज़ा अपरूव होकर आया और उन्होंने फैमिली इन्नी सरप्राइज्ड है क्योंकि उन्होंने किसी भी कंसल्टेंट ने सही मार्गदर्शन नहीं किया जी। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट गल्लां ने जिहड़ियां इस शो दे विच जसमीत जी दे नाल असीं शेयर कीतियां ने। सो आस करदे हां कि सारे स्टूडेंट जसमीत पाटिया जी दीआं गल्लां तों जरूर प्रेरणा लैणगे, प्रेरित होणगे, पर जिवें जसमीत जी ने कहा कि उस केस च ही तुसीं 2 चो 5.5 नाल सरकारी कॉलेज च जाणा है जो तो मल्टीपल रिफ्यूजल है और तुहानूं लगदा है कि हुण मल्टीपल टाइम तुसीं अटैम्प्ट कर चुके हो आइलेट्स इंप्रूव करन दी। ओके, मल्टीपल टाइम तुसी एफर्ट कीते ने आर्ट्स इंप्रूव करन दे और आर्ट्स इंप्रूव नहीं हो रही, फिर तुसी ट्राई कर सकते हो। सो ये जसमीत जी की गल मैं गलत समझा सी, मैं क्लैरिटी करदा। सो 9413-9412 इस नंबर से तुसी संपर्क कर सकते हो। और ये जसमीत जी मैं बेनती भी करूँगा कि कुछ स्टूडेंट्स जिन्हों के 2 चो 5.5 के नाल वीज़ाज आए ने जरूर किसी टाइम जरूर उन्होंने टेस्टिमोनियल साडे यूट्यूब चैनल पर बहुत जल्दी उन्होंने टेस्टिमोनियल आएंगे, रीसेंटली स्टैंप होकर आ रहे हैं उन्होंने वीजा, कुछ दी PPRs भी आई हैं उन्होंने जरूर, जिवें अज भी तुसीं हैंडओवर किया मोलदीप का वीज़ा, तुसीं उस स्टूडेंट ने डिस्कस किया होना कि वो स्टूडेंट वापस आ गए थे कैनेडा तो और उन्होंने विड्रॉ कर लिया एंड कॉम्प्लीकेटेड केस से और उन्होंने पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि शायद सैकेंड अटैम्प स्टूडेंट का वीज़ा लगे ना लगे, क्योंकि ऑलरेडी स्टूडेंट का वीज़ा स्टैम्प से उन्होंने विड्रॉल ले लिया, इंडिया वापस आ गए और हूँ उन्होंने दूजी बारी कैनेडा का वीज़ा अपलाई किया और उन्होंने भी अपरूवल मिली। सो इदा के केसिज डेफिनेटली साढ़े को आते हैं, बहुत सारे टफ केसिज में हैंडल करी ऑन डेली बेसिस एंड 14 ईयर का एक्सपीरियंस है, 2 ICCRC मैंबर घर मतलब जिन्होंने कहते हैं कि बहुत क्लोजली साड़ी टीम करते हैं एंड डेफिनेटली जो फाइल से काम होंगे तो एक पूरा एफर्ट लगता है, पूरी टीम का
एफर्ट लगता है ता कि स्टूडेंट नू प्रॉपर सर्विसेज दित्तियां जा सकन। जी चलो थैंक यू सो मच जी। 9413 9412 कोई भी सलाह लेनी है, कोई क्लैरिफिकेशन है, कोई कन्फ्यूजन है, इसे नंबर पर वट्सएप करके जसमीत जी के नाल मिलन की अपॉइंटमेंट बनवा सकते हो, डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो info@landmarkimmigration.com। थैंक यू जसमीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद।